हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे देवताओं, ऋषियों ने अपने योग सामर्थ्य से 24 तत्वों को एकत्रित करके जो निर्मिति की है, उसे पितर पुरुष में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। भगवान कपिल, आपके हर आदेश का पालन होगा। ऋषिवरों, मानवीय मन ही सुखोपभोग के बंधनों का कारण है और यही मानवी मन मोक्ष मुक्ति का भी कारण है। मन चंचल है, विषय भोगों की ओर त्वरित आकर्षित होता है, किंतु जब यही मन परमात्मा में अनुरक्त होता है, मोक्ष का कारण बन जाता है। सांख्य योग कहता है कि पंच महाभूत, पंच तन्यात्राएं, चार अंतःकरण और 10 इंद्रियें, ऐसे 24 तत्वों से बनी प्रकृति तब तक निष्कृत और निर्जीव रहती है जब तक उसमें प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष आत्मा प्रवेश नहीं करता। महत्व शरीर को नहीं है, अशरीर पुरुष को है, जिसे सभी आत्मा कहते हैं। भगवान, आपके बताए हुए 24 तत्वों को एकत्रित करके इन ऋषियों ने विराट पुरुष की निर्मिति की है, परंतु वो अभी तक जीवित नहीं हुआ है। महर्षि वशिष्ठ, मेरे बताए 24 तत्व प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के चालक नहीं। प्रकृति का संचालक जब प्रकृति में प्रवेश करेगा, तभी तो आपकी निर्मिति सजीव होगी। कहां है आपके विराट पुरुष की रचना? हे देवताओं, ऋषियों ने अपने योग सामर्थ्य से 24 तत्वों को एकत्रित करके जो निर्मिति की है, उसे पितर पुरुष में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। भगवान कपिल, आपके हर आदेश का पालन होगा। हे अग्नि, इस विराट पुरुष के मुख में प्रवेश करो।
हे सूर्यदेव, अपनी किरणों से इसके नेत्रों में प्रवेश करो। हे वायुदेव, आओ इस विराट पुरुष की नासिका में प्रवेश करो। हे मृत्यु, आओ और यथास्थान प्रवेश प्राप्त करो। हे इंद्र, अपनी शक्ति के साथ इसमें प्रवेश करो। हे चंद्रमा, आओ और इसके मन में प्रवेश करो। हे ब्रह्मा, आओ और इसकी बुद्धि में प्रवेश करो। हे चैतन्य पुरुष, ये संपूर्ण जीव जगत आप ही ने व्याप्त किया है। आप ही से हर किसी को चेतना मिलती है। प्रभु, आप परमात्मा हैं, परंतु आत्मा बनकर आप ही हर शरीर में प्रवेश करते हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु, ये शरीर जो अब तेजस्वी है फिर भी निष्क्रिय और निर्जीव है, आप अशरीरी बनकर इसमें प्रवेश करें प्रभु, और इस अचेतन पुरुष में चैतन्य निर्माण करें, इसे जागृत करें प्रभु। तथास्तु।